फ्रेंड से त्रिशूल लगवा दिया हूँ टीका माथे पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं अभी चल रहा हूँ बक्सर घाट श्री चंडिका माता के मंदिर दर्शन करने। तो चलो चलते हैं, आपको चल के दिखाता हूँ मंदिर पहुँच के। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुका हूं चंडिका माता के मंदिर। तो चलो चल के दिखाता हूं अभी। तो ये श्री चंडिका माता मंदिर का मेन गेट है और चलते हैं, दिखाता हूं आपको। और ये गाड़ी अपनी पार्क कर दिया हूं सामने गेट के। ये मंदिर का मेन गेट है, सिद्धपीठ माँ चंडिका देवी बक्सर धाम। और ये दुकानें हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलता है, स्नान करने के बाद यहीं से प्रसाद लेंगे। और ये मंदिर का दूसरा गेट है, इधर से भी जाते हैं दर्शन करने। मेन गेट वो वहाँ पे ऊपर है। और वो फ्लाईओवर दिख रहा है बक्सर से फतेहपुर फ्लाईओवर। चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको। तो ये मंदिर का मेन गेट है, काफ़ी खूबसूरत है माँ चंडिका का। और ये गंगा घाट था मंदिर के बिल्कुल सामने। तो पहले पानी यहाँ सीढ़ियों से था यहीं पे, अभी एकदम गंगा नीचे उतरी हुई हैं। चलते हैं, नहीं पहले स्नान यहीं से कर लेते थे हम लोग। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ और ये अपने कपड़े यहाँ पे रख दिए और यहीं पे नहाएंगे। और ये सामने पानी का बोर्ड है और ये हर हर गंगे। फ्रेंड्स, मैं फाइनली गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ। ये देखो पानी के बोर्ड हैं और ये मंदिर है ऊपर, वहाँ चंडिका माता का मंदिर है वो। और ये पानी वाली बोट खड़ी है नाव, तो दर्शन करके अभी इसी में घूमेंगे। तो अभी पानी उतरा हुआ है, पहले सीढ़ियों तक था, दिखाते हैं आपको। फाइनली गंगा स्नान हो गया है, अभी चल रहे हैं दर्शन करने। तो दिखाता हूँ आपको, अभी मंदिर में ऊपर आ गए हैं और ये मेन गेट है मंदिर का। चलते हैं प्रसाद ले लेते हैं, फिर दर्शन करने चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली चंडिका माता के मंदिर में पहुंच चुका हूं। चलते हैं अंदर, दिखाता हूं आपको। श्री चंडिका माता का मंदिर है, दिव्य दर्शन माता के। आज भीड़ नहीं है क्योंकि पूर्णमासी का दिन नहीं है, और नहीं तो बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। और ये नीचे शिवलिंग है मंदिर के बगल में, ये देखो। काफ़ी दिव्य दर्शन है माता के, श्री चंडिका माता बक्सर उन्नाव। ये श्री चंडिका माता का मंदिर है, पीछे मूर्तियाँ हैं और ये मंदिर प्रांगण है बहुत बड़ा। तो ये त्रिशूल लगवा लिया हूँ। तो यहाँ पे बोलते हैं जो मन्नत मान के यहाँ पे पैसा सिक्का या बतासा चिपकाएगा, अगर चिपक जाएगा तो माता उनकी पुकार सुनती हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर का प्रांगण है। और ये मंदिर का बाहर का मेन गेट है, ये देखो। दिखाता हूँ अपनी गाड़ी, वहाँ बाहर खड़ी है। और ये बाहर मेला लगता है,
उन्वासी को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये देखो वो वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। पूरा मार्केट है यहाँ, प्रसाद मिलता है और सब शॉपिंग का सामान। दर्शन करके आ गया हूँ और अभी ये बालाजी महाराज के दर्शन करता हूँ, बजरंगबली के। ये पीपल का पेड़ है, यहीं पे नारियल फोड़ा जाएगा और ये साथ में आराध्या है और अर्पिता है। बेटा इधर देखो, मंदिर के सामने गंगा जी हैं और दर्शन कर लिया हूँ। अभी चलते हैं बोर्ड में, एक बार घूमेंगे तो वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। और ये यहाँ पे श्री गंगा माता की मूर्ति है। दर्शन कर लिया हूँ चंडिका माता के, अभी चलते हैं गंगा नदी पानी वाली बोट में घूमेंगे। फाइनली जा रहे हैं पानी वाली बोट में घूमने, चल के आपको दिखाते हैं। भैया ना हम तो नहीं गए, घूम ले, घूमे खोए आओ। पानी वाली बोट में आ गया हूँ और ये हमारे साथ अर्पिता है, आराध्या है और आराध्या कोई नहीं है। तो अभी पानी की बोट नीचे गंगा नदी में आ गई है। तो ये पानी की बोट में है अभी, बीच गंगा नदी में। जिंदगी में पहली बार आया हूँ।
फाइनली अभी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ अपने, और प्रसाद ले लेते हैं बक्सर की फेमस गुजिया। बक्सर की फेमस गुजिया है ये, लेके चल रहे हैं अभी घर, खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। ये मंदिर का मेन गेट है चंडिका माता का, गाड़ी वहाँ पे पार्क है वो सामने। काफी अच्छा टेस्ट है, एक नंबर की गुजिया है। जिस भाई को लेना है, ये मंदिर का मेन गेट है, जस्ट ये बोर्ड लगा है श्री चंडिका माता का, और ये कॉर्नर में भाई की दुकान है, और ये अर्जुन कुचली भंडार दुकान है। तो चलते हैं अभी, तो माता जी के दर्शन कर लिया हूँ फ्रेंड्स, और अभी निकलता हूँ घर के लिए। और ये बक्सर की फेमस गुजिया है, तो गुजिया भी ले लिया। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।